हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यहां पर खुशखबरी गुड न्यूज देने वाला हूं। क्या कि दोस्तों, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपके यहां पर बिहार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 आउट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें इसके फॉर्म आज से डालना स्टार्ट भी हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं क्या क्या आपकी योग्यताएं रखी गई हैं और क्या क्या इसमें मांगा है और आप कैसे फॉर्म डालेंगे सब कुछ। लेकिन आप चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा घंटी के निशान, उसको भी दबा देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो आदि पसंद तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं सीएसबीसी की ऑफिशियल साइट पर, जहां पे आपको सेक्शन दिख रहा होगा क्या आप आएंगे तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कल की डेट में आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज से आप लोगों के फॉर्म डालना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैंने फर्स्ट वाले सेक्शन को क्लिक किया और मेरे को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल गया। चलिए इसका नोटिफिकेशन रीड करते हैं और जानते हैं कितने पद हैं, क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं और क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी है, हर एक चीज को देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है कि सर इसके ऑनलाइन ऑफिशियल कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे होगे, आपको यहां पर दिख रहा है क्या आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 21/7/2020, मतलब कि आज से आप लोगों के एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है क्या आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4/9/2020, मतलब की नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख तक आप लोगों के नेक्स्ट नहीं दोस्तों 7/8/9 जी दोस्तों, अभी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब कि 4/9/2020 तक आप लोगों के यहाँ पर आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे। कहने का मतलब सितंबर तक। आप दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन का डिटेल्स दिया है, आप चाहें तो अच्छे से रीड कर लेना, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला चूंकि टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों का रिजर्वेशन से संबंधित यहाँ पे बोला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों, महिलाओं के लिए प्रावधान आरक्षण प्रावधान के अनुसार 3% पद पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं इसमें। जी दोस्तों, 3% ओबीसी लेडी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप रिक्तियां जान लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपकी वैकेंसी है कितनी, 484 टोटल मात्र वैकेंसी है। जी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी ठीक है, आ गई है ना। आप यहाँ पे देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित 186 और आपका यहाँ पर देख सकते हैं 35 रिजर्वेशन के लिए 58 महिलाओं के लिए और आर्थिक रूप से मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 41 सीट है और यहाँ पर महिलाओं के लिए 12 सीट है। ओके, 35% रिजर्वेशन है। और आप यहाँ पे देखेंगे एससी एसटी के लिए भी यहाँ पर 72 है और आपका 7 ओके, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 46 और यहाँ पर महिलाओं के लिए 17। इस प्रकार से यदि आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिएगा क्या पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर बोला गया है 125 सीट है और 17 यहाँ पर रिजर्व है, मतलब कि 35% के लिए महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों की महिला 7 ओके। टोटल आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी 484 पोस्ट टोटल निकली हैं। ये तो हो गया किसका बंटवारा, आपके सीट से पद का बंटवारा। आप यहाँ पर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कट ऑफ का बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्या बोला है। तो दोस्तों, आप जैसे ही आएंगे तो आप हमको दिखना है इम्पोर्टेंट क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, आखिरकार इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर पात्रता देख लेते हैं। वनरक्षी पद आवेदन हेतु पात्रता, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। सेकंड, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता वन रक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम आपके यहाँ पर रखी गई शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10+2 होना अनिवार्य है ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया कि अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत होगी। यहाँ पे बोला है सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष। अच्छे से देख लेना, अच्छे से सुन लेना क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। जी दोस्तों, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अनारक्षित हैं, ईयूआर हैं तो आपकी आयु मिनिमम 18 और यहाँ पर मैक्सिमम 23, अधिकतम उम्र 23। और आर्थिक रूप से यदि आप यहाँ पर कमजोर वर्गों के लिए अधिनियम 2019 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान
राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए बेहद आरक्षण के अतिरिक्त है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बेहद आयु सीमा ही लागू होगी, मतलब कि सेम ही रहने वाली है। बट यहाँ पे बोला है कि यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। और आप यहाँ पे देखेंगे SC ST के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28, ये यहाँ पर आयु का रखा गया है। अब हम देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोला गया मिनिमम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और जनजाति और यहाँ पर अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोल सकते हैं आप न्यूनतम सीना खुला बिना फुलाए ये 79 सेंटीमीटर और यहाँ पर अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर। और सीना का न्यूनतम फुलाओ 5 का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि आपका 75 आ रहा है बिना फुलाए तो आपका 80 आना चाहिए। ओके, यदि आपका 80 आ रहा है तो 85 आना चाहिए, 90 आ रहा है तो 95 आना चाहिए, बट 5 का डिस्टेंस आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जी दोस्तों, यदि नहीं आता तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे, चाहे फिर आपका सीना जितना मांगा है उससे ज्यादा क्यों ना हो। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीने की कोई माप नहीं रखी, बट आप मिनिमम इनकी जो हाइट है ऊंचाई 155 सेंटीमीटर SC ST के लिए और अन्य के लिए 160, पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर और यहाँ पर महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर सेम ही रखा गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया बोला है प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। ओके, यहाँ पर 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे जिनमें से कुल 100 प्रश्न आपके क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दे होगा। लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों का होगा। जी दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन 4 अंक का होगा और आपके 400 पूर्णांक होंगे। यहाँ पर क्या बोला है, आपका बोला है कि आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 स्तर का होगा, मतलब कि 12वीं के लेवल का आपका पेपर आएगा जिसमें गणित रहेगा, सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। आपको हिंदी के प्रश्न हिंदी में देने होंगे और बाकी दोनों बायलैंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आप देखेंगे भाग एक में 30 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से रहेंगे और भाग दो में 25 प्रश्न 10वें स्तर के आधारभूत संख्या आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से मैथ्स आपका क्वेश्चन पार्ट 3 रहेगा। भाग 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित रहेगा। चौथा है आपका उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना, जी आपका चौथा सेक्शन रहेगा। और यहाँ पे बोला है क्या, आपके भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। यहाँ पे और क्या बोला है, प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा, दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग का शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण। अब यहाँ पे और पाठ्यक्रम बोला है, तो दोस्तों ये डिटेल्स की चीजें सारी आप पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं हैं क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 40% और आपका बोला है पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। यहाँ पर इतना मैक्सिमम ला नहीं होगा, ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग इतना, इससे कम नहीं चलेगा। और SC ST के लिए यहाँ पर 34 और 32 रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और क्या है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट अब ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ आप लोग पूछेंगे हम बताएंगे, बट यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से था, डेट वगैरह, आपका एग्जाम का सिलेबस, आपका फिजिकल और आपकी पोस्ट वगैरह, वो मैंने सारी बता दी हैं। फिर भी यदि कोई डाउट्स आ रहा है, मन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बेझिझक पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए वीडियो आई पसंद प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर। और हाँ डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी जो आपने बिहार पुलिस में एग्जाम दिया था, जो RTI लगाए थे, किसी का रिप्लाई आया हो तो हमको प्लीज बताएं, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम हो गया आपका, 1 मंथ होने को जा रहा है, आपका रिप्लाई नहीं आया, बहुत से कैंडिडेट का आ ही नहीं रहा है, ये शायद आपके यहाँ पर गवर्नमेंट की चालाकी है। जी दोस्तों, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेता आपका RTI, आपका RTI मैक्सिमम 30 डेज, इससे ज्यादा जाता है तो फिर लफड़ा है कुछ। जी दोस्तों,
मतलब कि आपके यहाँ पर कुछ पाबंदी वगैरह लगा दी है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आरपीएफ वालों के मैंने आरटीआई लगाए थे, उन लोगों के तो किसी के 1 हफ्ते में आ रहा है, किसी के 4 दिन में आ रहा है। वो सेंट्रल लेवल के थे, स्टेट लेवल का आरटीआई है दोस्तों। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, कोई चाहता नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों की आरटीआई का रिप्लाई आए। अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं चाहते। ओके, तो टेक केयर।